Sum of the areas of two squares is 544 square meters. अब हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं. स्क्वायर्स मतलब क्या? कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसके चारों साइड्स आपस में बराबर हैं और जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है. तो हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं जिनके एरिया का सम 544 स्क्वायर मीटर है. तो चलिए पहले तो जल्दी से दो स्क्वायर सम बना लेते हैं. एक मान लीजिए एक स्क्वायर ये है और एक दूसरा स्क्वायर ये है, ठीक है. अब मान लेते हैं कि इसकी साइड कुछ ए है, सेम कलर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे. ये मान लीजिए कुछ ए यूनिट्स लंबा है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा. उसी तरीके से ये जो बड़ी वाली स्क्वायर है, मान लेते हैं कि इसका जो साइड लेंथ है वो कुछ बी यूनिट्स हैं, बी 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 और बी, ठीक है. अब ये जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, अब इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड. तो इसका एरिया हो जाएगा ए टाइम्स ए, यानी कि ए स्क्वायर. उसी तरीके से ये जो दूसरा वाला स्क्वायर है, इसका एरिया हो जाएगा बी टाइम्स बी, यानी कि बी स्क्वायर. अब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो जोड़ है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 544 मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो हमने पहले स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लिया, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. मान रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स आ गए हैं, बट वही तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 32 मीटर्स, अब यहाँ पे इन दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर की भी बात की गई है. पेरीमीटर मतलब क्या हुआ? कि इनके बाउंड्री का टोटल लेंथ, यानी कि अगर मैं इस छोटे वाले स्क्वायर की बात करूँ तो इसका टोटल बाउंड्री का लेंथ हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि फोर टाइम्स ए, फोर टाइम्स ए, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा. और ये था हमारा एरिया. उसी तरीके से ये जो बड़ी वाली स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, यानी कि फोर टाइम्स बी. अब जाहिर सी बात है कि ये वाला जो स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर, ये बड़ा है इस छोटे वाले से, इसके साइड्स इस छोटे वाले से बड़े हैं. तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो भी इस छोटे वाले से बड़ा होगा. तो यहाँ पे जब हम डिफरेंस लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि फोर टाइम्स बी, फोर टाइम्स बी, यानी कि इस बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें छोटे वाले का पेरीमीटर, यानी कि फोर टाइम्स ए, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 32 मीटर्स. अब चाहे तो इसे बड़ा कर सकते थे, इसे छोटा कर सकते थे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस है. तो हमने 32 ले लिया, बड़े में से छोटे को घटा दिया. अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं सॉल्व करने के लिए. अभी हम इसे, इस यूनिट्स को हटा सकते हैं, बाद में हमें पता है कि हम मीटर स्क्वायर और मीटर की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे यहाँ पे यूनिट्स आएंगी वो मीटर्स में ही होंगी. तो ये हमारे मैथमेटिकल इक्वेशंस बन गई. अब हमें यहाँ पता क्या करना है? फाइंड दी साइड्स ऑफ दी टू स्क्वायर्स. अब इन दोनों स्क्वायर के साइड्स क्यों हमें पता करना है कि ये ए कितना होगा और ये बी कितना होगा. तो हमारे पास है दो इक्वेशंस, हमारे पास है दो अननोन्स. तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं. अभी तक हमने इस दिए हुए स्टेटमेंट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है. अब दूसरा स्टेप होगा इसे सॉल्व करना. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं इस दूसरे वाले इक्वेशन की बात करूं, तो यहां से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड से. तो हमें मिल जाएगा 4 टाइम्स बी माइनस ए इज इक्वल टू 32. अब दोनों साइड अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो हमें यहां से आ जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू 4 8 सा 32, यानी कि 8, यानी कि बी माइनस ए 8 के बराबर है. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बी जो होगा वो 8 प्लस ए के बराबर होगा. अगर हम दोनों साइड ए ऐड कर दें तो फाइनली हमने बी को ए के टर्म्स में लिख दिया. अब अगला स्टेप ये होगा कि हम इस बी की वैल्यू जो हमने ए की टर्म्स में लिखी है, उसे हम अपने पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यहाँ पे इस बी की जगह हम
ए प्लस एट लिख देंगे। अब इससे क्या होगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही अननोन होगा ए, और उसे हम आगे सॉल्व करके ए की वैल्यू पता कर सकते हैं, और एक बार ए आ जाएगा तो उससे फिर हम बी निकाल लेंगे। तो चलिए इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी की जगह हमने रख दिया 8 + a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 544। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मुझे दिख रहा है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। तो चलिए अब 8 + a को एक्सपैंड करना होगा, यानी कि ये हमारे पास ये जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a + b कैपिटल A प्लस कैपिटल B होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b² के बराबर, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले वाले ए स्क्वायर को हम जो का थे वो लिख लेते हैं, प्लस ऑफ 8 + a² हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 × 8 × a + a का होल स्क्वायर, और ये होगा हमारा 544 के बराबर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2a² प्लस ऑफ 2 × 8 × a हो जाएगा 16a, और प्लस ऑफ 8² यानी कि 64, ये है हमारा 544 के बराबर। अब दोनों साइड पहले हम 64 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा 2a² प्लस ऑफ 16a इज इक्वल टू योर ए कैंसिल 54 - 64, ये कितना होगा 0, 8 और 4, 480। तो ये हो जाएगा 480 के बराबर। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो दोनों साइड चलिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं सेम चीज़ हमें इक्वेशन के राइट हैंड साइड में करनी होगी, ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। तो ये हमें दे देगा a² + 8a इज इक्वल टू 480/2 होता है 240। अब ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो इस सारे टर्म्स को हम एक साइड कर लेते हैं। तो दोनों साइड 240 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा a² + 8a - 240 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करके a की वैल्यू पता करनी है, और फिर a से हमें b पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, हो सकता है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, हो सकता है हम इसे फैक्टराइज कर दें। तो चलिए इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास आ गया a² + 8a - 240 = 0। अब हमें यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसका सम 8 के बराबर हो और जिसका प्रोडक्ट -240 के बराबर हो। तो 240 के कुछ फैक्टर्स अगर मैं सोचूं, तो 12 × 2 होता है 24, 12 × 20 हो जाएगा 240। तो अगर मैं, अब ये नेगेटिव है यानी कि इसमें से कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ -12 और 20। तो -12 × 20 होता है -240, और -12 + 20 हमें पॉजिटिव 8a दे देगा। बस यही हमें चाहिए था। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए सोचने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आराम से टाइम लेके इसे सोच सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हैं तो। तो चलिए ठीक है, इसे आगे हम स्प्लिट कर देते हैं। तो a² - 12a + 20a - 240 = 0। अब यहाँ से हम a कॉमन फैक्टर बाहर कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा a × a - 12 प्लस ऑफ, यहाँ से हम 20 बाहर कर लेते हैं, तो 20 × a - 12 = 0। यहाँ पे हमें मिल जाएगा a - 12 हम बाहर खींच लेते हैं, ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो ये हमें दे देगा a - 12 × a + 20 = 0। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर a - 12 0 होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब a हमारा 12 के बराबर है, और a + 20 को 0 होने के लिए ये तभी पॉसिबल होगा जब a मेरा -20 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, a हमारा था क्या,
ए तो हमारा स्क्वायर की साइड थी, अब साइड कभी नेगेटिव थोड़ी ही हो सकती है, तो इसलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, इसे हम नहीं लेंगे। तो जो ए की वैल्यू हम लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो 12 ही होगी। तो जो एक स्क्वायर थी उसकी साइड लेंथ आ गई 12 मीटर्स के बराबर। ये जो है ए 12 मीटर्स, ए जो है यहाँ पे ये 12 मीटर्स हो जाएगा। अब एक बार ए पता चल गया तो हम बी भी पता कर सकते हैं, क्योंकि बी क्या है, 8 + a यानी कि 8 + 12 यानी कि 20। तो ये जो बी है हमारा, ये हो जाएगा 20 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने साइड लेंथ ए और साइड लेंथ बी दोनों पता कर लिया, जो कि हमें यहाँ पे पता करना था।